हेलो फ्रेंड्स, पार्ट वन में हमने देखा कि भरत किस तरह से राम को मिलने के लिए निकलते हैं। ठीक है, अब अभी ये लेसन में हमें क्या सीखना है? तो हमें पहली बात तो ये सीखनी है कि हर बच्चे के लिए माता पिता की आज्ञा का पालन करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर भगवान खुद राम जो भगवान है, फिर भी वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के हेतु राम कहाँ चले गए? वन में चले गए। यदि जो भगवान ऐसा कर सकते हैं, मतलब भगवान अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर सकते हैं, तो आप सब भगवान नहीं हैं। तो आप सबको तो सही में अपने माता पिता का पालन, आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब होता क्या है, उनके साथ सीता माता भी गई थी, हमें पता है तब तक। अब भरत को इस बात का पता चलने पर भरत जी अयोध्या की जो सिंहासन था वो सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनको सिंहासन का कोई मोह ही नहीं था। पर भगवान श्री राम जो है उनकी खड़ाओ माने चरण पादुका जिसे कहते हैं, मतलब कि जैसे हम जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, वैसे उस समय पर खड़ाओ पहनते थे। तो वो खड़ाओ राजगद्दी पर रखकर जब तक भगवान श्री राम वापस नहीं आते तब तक वो सेवक के रूप में क्या करते हैं, राजगद्दी संभालते हैं, मतलब कि अयोध्या का राजकाज संभालते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि भाई हो तो भरत जैसा, जैसे मैंने आपको पार्ट वन में कहा था। ठीक है, तो देखते हैं पहला दृश्य क्या है। दृश्य नंबर वन देखते हैं कि दृश्य नंबर वन में क्या दिखाई दे रहा है। तो दृश्य वन है, दृश्य वन में एक वन का भाग दिखाई दे रहा है। वहां पर एक कुटिया है, कुटिया के बाहर माता सीता और भगवान श्री राम बैठे हुए हैं और बाजू में धनुष बाण लिए लक्ष्मण जी खड़े हैं। ऐसा एक दृश्य दिखाई दे। अब भगवान श्री राम को कुछ सुनाई देता है, वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज कहां से आ रही है। कुछ सुनाई दिया उनको, उन्होंने लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण जी इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। भगवान से उन्होंने राम से कहा कि कुछ लोग यहां पर आ रहे हैं। राम कहते हैं कौन लोग हैं? लक्ष्मण ध्यान से ऐसे देखते हैं, अरे यह तो भरत है। थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला कि भरत भैया भगवान से राम को मिलने के लिए आ रहे हैं, साथ ही बहुत सारे लोग भी हैं। तुरंत लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठते, कहते हमें सावधान हो जाना चाहिए, मतलब कि भरत हमारे सामने सेना लेकर आ रहा है युद्ध करने के लिए, हमें सावधान हो जाना चाहिए। लक्ष्मण पहले से ही थोड़े क्रोधित स्वभाव के थे, क्योंकि उनके साथ जो भी घटना बनी थी वो घटना के अनुसार उनके मन में एक नेगेटिविटी भरत के रूप में आ गई थी कि उनके कारण उन्हें वनवास भोगना पड़ा। शायद वो लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। भगवान राम को लक्ष्मण जी ने कहा कि वो लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए। राम हंसते हैं और हंसते हंसते कहते हैं भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात पर शक करने लगते हो, आप ऐसे ही शक क्यों कर रहे हो? शक मतलब शंका करना। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना, मतलब इतने सालों से आप साथ में रह रहे हो, हम सब साथ में रह रहे, क्या आप भरत को अभी तक पहचान नहीं पाए? लक्ष्मण उत्तेजित होकर मतलब गुस्से में क्या कहते हैं, पहचाना क्यों नहीं, अरे कैसे नहीं पहचानूंगा, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया है, मतलब कि कई कई माता का ही बेटा है वो, और उसी के कारण तो वनवास मिला है, पहचानूंगा क्यों नहीं, दोनों माँ बेटों ने आपस में बात की होगी और इसीलिए तो हमें वनवास मिला। सीता माता कहती है इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। माता सीता भी कहते कि भरत भैया का इसमें कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी कहते लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं, और इसी तरह सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। अब आता है दृश्य नंबर टू। अब दृश्य टू में क्या होता है देखते हैं। तो दृश्य टू में भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, मतलब नजदीक आते हैं, निकट आना मतलब नजदीक आना। उनकी आंखों में आंसू,
बह रहे थे। अपने भैया को जिस स्थिति में उन्होंने देखा, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे राम के चरणों में पड़ते हैं, जैसे ही भगवान राम को देख के नतमस्तक हो जाते हैं। राम ऐसे भरत को उठाते हैं और उठाकर उन्हें गले लगाते हैं। अब भरत रोते हुए बहुत रो रहे हैं, क्योंकि उनके कारण भगवान की यह दशा हुई, ऐसा वो मानने लगे। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, भरत जी कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आपको मैंने जो वनवास दिलाया, उसमें मैंने कोई वनवास दिलाया, मतलब मेरा हाथ ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। मेरी माता को ये कुबुद्धि कैसे सूझी, वो भी मुझे पता नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए, क्योंकि उस समय पर ये रिवाज था कि जो बड़ा बेटा होता है वही राजा बनता था। मैं आपको लेने आया हूं, आप सब अयोध्या वापस चलिए। इन नगरवासियों को भी, नगरवासियों की भी यही इच्छा है कि आप वापस चले। निराश ना कीजिए प्रभु, ऐसे रोते रोते बहुत कहते। वो भगवान राम जी नहीं आएगी ऐसा भरत को पता था, इसीलिए भरत जी ने नगरवासियों को, ऋषि मुनियों को, माताओं को, सबको लेकर वो आए थे, क्योंकि उनको पता था कि वो भगवान राम जो है भरत का कहा तो मानेंगे नहीं। अब राम रिप्लाई देते हैं कि भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूं, मुझे पता ही था कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं होगा, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूं। भगवान राम ने क्या कहा कि मैं आपके कहने पर नहीं आया हूं, मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उनके कहने पर आया हूं, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा, मतलब जब तक वनवास पूरा नहीं होगा मैं घर पे आने वाला नहीं हूं। और आपको बता दूं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो हर काम अपनी मर्यादा में रहकर ही करते थे, और माता पिता की, गुरु की जो भी आज्ञा होती वो आज्ञा वो सिरोधार्य रखते थे, मतलब उनका कहा मानते थे। अब एक नागरिक जो अयोध्या का था वो कहता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। एक नागरिक है, वो भगवान श्री राम को राजा का कर्तव्य बताता है कि राजा का कर्तव्य, कर्तव्य मतलब राजा का मुख्य काम क्या है, तो कि प्रजा की सेवा करना, प्रजा को सुखी रखना। अब ऐसा कहने के बाद राम कहते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, मतलब कि आप लोगों ने जो भी मुझे कहा वो आप ठीक ही हो, मतलब आप गलत नहीं हो, पर अभी मेरा काम है मेरे माता पिता की आज्ञा का पालन करना। भरत मेरा भाई है, भरत उनसे छोटा था भगवान श्री राम से, जब तक मैं वनवास पूरा करके ना आऊं, न लौटूं, तब तक भरत आपका सुख दुख उसका ध्यान रखेगा, भरत ही ध्यान रखेगा आपके सुख दुख का, आप इसे ही राजा माने, यह मेरा आदेश है। भगवान श्री राम ने आदेश दे दिया। अब आदेश, राजा का आदेश सब लोगों को मानना पड़े। भरत कुछ सोचने के बाद, भरत को पता चल गया था कि भगवान राम मेरे साथ आने वाले नहीं है, तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा उसके बाद का, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं वहां पर राज संभालूंगा, पर मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, उसकी जगह पर मेरी एक विनती है जो स्वीकारी आप। अब विनती क्या थी, राम कहते हैं, बोलो क्या चाहते हो। भरत कहते हैं, मुझे आप अपने पांव के खड़ाव दे दे, मतलब आपने जो खड़ाव पहने हैं वो खड़ाव आप मुझे दे दीजिए, पैरों में पहनने की जो वस्तु है उसे खड़ाव कहते हैं, हम जूते या चप्पल कहते हैं, उस समय पर लकड़े की आती थी इसीलिए उसे खड़ाव कहते हैं। दोनों खड़ाव भगवान राम ने उन्हें दे दी, दोनों खड़ाव को उन्होंने अपने सिर पर रख दिया, और अपने भाई का कर्तव्य जो था, बड़े भाई का, वो उन्होंने निभाना स्टार्ट किया। राम कहते हैं, खड़ाव, खड़ाव का क्या करोगे। भरत जी कहता है, इन्हें सिंहासन पर रखकर
आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज का कार्य करूंगा। सोचिए आप, अभी जो स्थिति है वो स्थिति में हम देखे तो भाई अपने भाई का नहीं रहा, सब लोग लालची हो गए, सब बातों में लालच ढूंढते। वहां पर यहाँ ऐसा भरत जैसा भाई मिलना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि वो भगवान राम को जो राजा दशरथ जी सिंहासन छोड़ के गए वही सिंहासन वो उनको वापस करना चाहता है। इसीलिए भगवान राम के खड़ा हो वो सिंहासन पर रखकर नीचे भगवान राम की जगह पर नीचे एक जगह बैठकर सेवक की तरह, एक दास की तरह, एक नौकर की तरह वो पूरा राजकाल 14 साल तक, जब तक भगवान राम नहीं आते तब तक संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। भरत का प्रेम देखकर माता सीता, भगवान श्री राम, लक्ष्मण गदगद हो उठते हैं, मतलब आनंद से प्रफुल्लित हो उठते हैं, उनकी आंखों में से खुशी के आंसू निकल आते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले मिलते हैं, भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम उनके गले लगते हैं। खड़ाव लेकर भरत और नगरजन राम और भरत की जय जयकार बोलते हुए विदा होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी भरत मिलाप वाला जो लेसन, कि जहाँ पर हमें भरत जी ने माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण का जो मिलन हुआ भरत का, जिस जंगल में, जिस वन में, उसके बारे में हमें ये बात बताई गई थी। दोनों दृश्य अत्यंत मोहक है, फिर उसको उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या घटना घटी थी। ठीक है, पूरी रामायण आप लोगों ने देखी होगी। अभी कोरोना के समय में रामायण नामक सीरियल स्कूल टेलीविजन पर स्टार्ट हुई थी, बराबर, आप सब लोगों ने वो देखी होगी। ऐसे ही हमारे जो धर्म ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, मैं तो कहूँगा कि आप रोज उसका एक या दो पेज पढ़िए, उससे हमारे जीवन में बहुत अच्छा और पॉजिटिव एनर्जी हमारे जीवन में आती है। तो ये वाला जो लेसन था यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। आई होप कि भरत मिलाप क्या है और भरत मिलाप क्यों करना पड़ा, ये सारी आपको बातें पता चली होगी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।